हेलो, वेलकम टू आर्टनिक चैनल। इस वीडियो में, इस डिज़ाइन में हम आपको लाइनिंग, शार्प लाइनिंग से डिज़ाइन को कैसे डेकोरेट किया जाता है वो बताएंगे। तो हमने पहले डिज़ाइन को ट्रेस किया, फिर उसके अंदर हमने ये स्काई ब्लू कलर भरे बेस के अंदर पूरा प्लेन वर्क करना पड़ता है पहले इसके अंदर। तो ये हमने पहले स्काई ब्लू यहाँ भरा। स्काई ब्लू बनता है वाइट और ब्लू से। तो स्काई ब्लू लाइट कलर है, तो वाइट भी लाइट कलर होता है, तो इसलिए इसे ज़्यादा लेना पड़ता है। 3 पार्ट वाइट कलर, 1 पार्ट ब्लू कलर, तो स्काई ब्लू बनेगा। और हमने ग्रीन कलर भी बनाया है, तो ग्रीन, ये डार्क ग्रीन वाला है, तो 2 पार्ट येलो और 2 पार्ट ब्लू, तो ये इस तरह का डार्क ग्रीन कलर बनेगा। और लाइट कलर भी बना, लाइट ग्रीन कलर भी बनाया है, तो या तो आप इसी ग्रीन में येलो मिक्स कर लीजिए और ज़्यादा, तो लाइट ग्रीन बन जाएगा। नहीं तो ये 3 पार्ट येलो लेंगे और 1 पार्ट ब्लू लेंगे तो लाइट ग्रीन कलर बनेगा। यानी ब्लू डार्क कलर है, हमने इसे कम लिया है, तो ये लाइट ग्रीन कलर बना। इस तरह से आप इस लाइनिंग और स्ट्रोक और ये वेंस की प्रैक्टिस कीजिए। और ये पहले डिज़ाइन बना लीजिए, फिर उसमें ये स्काई ब्लू फ्लावर्स में और पत्तियों में लाइट ग्रीन कलर भर लीजिए। ये भरने के बाद में हम इसकी ये शार्प आउटलाइन से इसे डेकोरेट करेंगे। तो ये लाइट और डार्क कलर से ही बनता है। यानी लाइट हम नीचे भरेंगे तो डार्क की आउटलाइन करेंगे, अगर हम डार्क नीचे भरेंगे तो लाइट की आउटलाइन करेंगे। इस तरह से ये डिज़ाइन को कंप्लीट किया जाता है। ये ब्लू कलर से हम इसकी आउटलाइन लेंगे। तो ये कम कलर लीजिए, इसका पॉइंट बनाइए इस तरह से। ये कर्व वाली पत्ती है, तो इसे धीरे धीरे बनाना पड़ता है। ये ब्रश को हल्का सा टिकाइए। इस तरह से इसकी आउटलाइन कंप्लीट कीजिए। अब ये लाइट डार्क ग्रीन कलर का वर्क है। हल्के हाथ से धीरे धीरे बनाना है इसे। ये अंदर की डिज़ाइन हमने आपको वेंस की बता चुके हैं किस तरह से बनती है। ये इसे यहाँ से स्टार्ट करते हैं और इस तरह से इसे बनाते हैं। अगर आपसे इस तरह नहीं बनता है तो आप पेंसिल से भी इसे पहले ट्राई करके और फिर उस पर कलर कर सकते हैं। ये इस तरह से इसे कंप्लीट किया जाता है। हमने ये सर्कल में गोल्डन कलर लिया है ब्लैक से चेक्स। चेक्स भी बारीक बारीक ही लेंगे। अब जो ये बॉर्डर है, तो इसे इस तरह से ये छोटे छोटे ब्रश की बिंदियां रख के इसे कंप्लीट करेंगे। जो ये वाली डिज़ाइन है, इसे हमने ऐसा पहले या तो आप पत्ती बना लीजिए या फिर इसे नीचे से भी हम बना सकते हैं। इस तरह से लाकर ये इस पत्ती को गोल कर दीजिए। ये जो घुमेरी है, ये घुमेरी को 2 पार्ट या 3 पार्ट में बनाइए। पहले यहाँ का, फिर यहाँ का, क्योंकि एक ही बार में पूरा राउंड नहीं बनता है। फिर हम इसे ऐसा कंप्लीट कर लेंगे। ये जो रेड की बिन, ये है रेड वाली डिज़ाइन, तो ये हमने ब्रश के पीछे वाले पोर्शन से बनाया है। इस तरह से हम इसे लगा लेंगे।
ये हमारा शार्प आउटलाइन वाला डिज़ाइन कंप्लीट हुआ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।